कनाडा का खालिस्तान प्रेम अब दुनिया के सामने खुलकर आ रहा है, जिसका एक बार फिर उदाहरण तब देखने को मिला जब बीते दिनों कनाडा में नगर कीर्तन परेड के दौरान खालिस्तान के समर्थन में झांकियां निकाली गई थी, जिसमें भारत के नेताओं पर निशाना साधते हुए झांकियां निकाली गई और उनके खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई। वहीं भारत की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए चरमपंथी नेताओं ने भड़काऊ भाषण भी दिए, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। वहीं अब ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने भी कनाडा को साफ लफ्जों में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि खालिस्तान ना कभी बना था ना बनने देंगे। MS बिट्टा ने कहा कि कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है, पूरी दुनिया के अंदर दहशत फैलाने का अड्डा बन चुका है। आपको सुनाते हैं MS बिट्टा का बयान विस्तार से। खालिस्तान ना कभी बना था ना बनेगा ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से जख्मी शरीर से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। जहां तक खालिस्तान की बार बार मांग उठने का सवाल, कनाडा दूसरा पाकिस्तान बन चुका है, दूसरा आतंकवाद, गैंगस्टर, नार्को टेररिज्म और पूरे दुनिया के अंदर दहशत फैलाने का अड्डा बन चुका है। हिंदुस्तान से भागो, दुनिया से भागो, क्राइम करो, बेगुनाहों का कत्लेआम करो, पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करो और कनाडा जाके शरण ले लो। आए को कनाडा का आदमी इधर आए, गलत काम करके पकड़ के भारत सरकार, अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, रशिया हो, उनके हवाले करेगी। क्या ये मुल्क बना रहे हैं? जो इतना बड़ा मुल्क कनाडा दुनिया में नाम लिया जाता है, जब उनको आतंकवाद के अड्डे, उनको गैंगस्टर के अड्डे, उनको नार्को टेररिज्म के अड्डे, दूसरे धर्मों के अपमान करने के अड्डे बना रहे हैं। कनाडा को स्पष्ट कह देना चाहते हैं, ये आज का भारत है। मोदी जी बार बार कहते हैं हम किसी को छेड़ते नहीं, हमको छेड़े को हम छोड़ते नहीं, किसी भी सूरत के अंदर कितने भी आप नारे लगा लो, कितना भी तिरंगे झंडे का अपमान कर दो, याद रखना खालिस्तान कभी बन नहीं सकता। खालिस्तान बनाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, बना लो कनाडा के अंदर, रोज नारे लगाओ ये खालिस्तान है हमारा, बनाना है खालिस्तान बनाओ, ये बना लो लाहौर के अंदर खालिस्तान बना लो, सबसे पहले बॉर्डर पार चल के मैं चलता हूँ, पहले गोली मैं खाता हूँ। हिंदुस्तान में खालिस्तान की कोई जगह नहीं। हिंदुस्तान के अंदर पंजाब को बनाना है तो खालस बनाओ, पानी खालस, मिट्टी खालस, धर्म खालस, मारने की किसी को इजाजत नहीं। आज हमारी पहचान क्या बना दी? जो हमें गुरु साहिबानों ने पहचान दी थी, ये पगड़ी मानवता की रक्षा, आप हमारे चेहरे डरौने बना दिए। आज लोग हमसे डरने लग गए। कभी कहते थे एक माँ दो बेटे को जन्म देगी, एक सरदार होगा, एक हिंदू होगा, और ट्रेन के अंदर, बस के अंदर कोई सरदार बैठा होता था, कहते अब सरदार आ गया, फिक्र नहीं। आज हमारे चेहरे डरावने बना दिए ये कनाडा के अंदर नारे लगाने वालों ने, ये कनाडा के अंदर खालिस्तान के नारे लगाने हमारे देश को तोड़ने वालों के। कनाडा को स्पष्ट कह देना चाहते हैं खालिस्तान कभी नहीं बन सकता, बनाना है तो वहीं पर बना लो, ये सारे गैंगस्टर और नार्को टेररिज्म फैलाने वाले। गौरतलब है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कुछ दिन पहले टोरंटो में खालसा दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस कार्यक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी होती देखी गई थी। भारत सरकार ने इस पर भी कड़ा विरोध जताया था। वही खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भी कनाडा भारत पर आरोप लगाता आया है, और इसी सिलसिले में हाल ही में कनाडाई पुलिस ने 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया है, जिनके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। वही भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्रूडो के आरोपों पर कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा में जो कुछ हो रहा है वो ज्यादातर उनकी आंतरिक राजनीति के कारण है और इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया है, कनाडा में भारत पर आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। जैसे ही कनाडा में चुनाव आ रहा है वो वोट बैंक की राजनीति में शामिल हो गए हैं। बताते चले कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी घोषित किया था। NIA ने उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।